विश्व प्रेम ही ईश्वर प्रेम है। अहंकारी मनुष्य की शक्ति से विश्व प्रेम दूर होता है। अहंकार किसका? धन दौलत वैभव ऐश्वर्य का नहीं, यह सब यही छोड़ना पड़ेगा। नाम पद प्रतिष्ठा का अहंकार है तो ये रंगीन चोला यही उतारना पड़ेगा। बड़े बड़े शक्तिवान सामर्थ्यवान इस धूल में मिल गए हैं, फिर किसका अभिमान? अपने हृदय में विश्व प्रेम की प्रतिष्ठापना कर अपना तथा अन्य लोगों का जीवन धन्य बनाइए। अपनी नई सृष्टि बसाने की कोशिश में जीवन न खोया जाए, क्योंकि वो अस्वाभाविक है, असंगत है, ईश्वरीय विधान के विपरीत है। परिणाम दुखदाई और विनाश ही है। संसार के प्रत्येक तत्व में भलाई बुराई सन्निहित है। न कोई पूर्णतः बुरा है और न कोई भला। मनुष्य के हृदय में भी विकारों के बीच ही प्रेम की जड़ जमी हुई है। शुभ तत्व बीज रूप में सभी में स्थित है। ऐसी दशा में बुराइयां ही देखना अथवा दूषित दृष्टिकोण को अपनाकर घृणा निंदा को गले लगाना प्रेम साधना के पथ में भारी विघ्न है। अपना दृष्टिकोण बदल जाने पर जो दूषित और बुरे तत्व हैं, उनमें भी अच्छाई उस ईश्वरीय तत्व की झांकी दृष्टिगत होती है। वहां भी उस प्रेम स्वरूप के दर्शन होते हैं, क्योंकि विश्व प्रेम की प्राप्ति में कहीं दोष बुराइयां कमजोरियां रहती ही नहीं हैं। घृणा पर निंदा से प्रेम मर जाता है। अतः ये दृष्टिकोण त्याज्य है। इसके विपरीत अच्छाई का दर्शन करना आवश्यक है। अखंड ज्योति, जून 1960, पृष्ठ 20-21। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।